खालसा जी चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी। पूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखहु नयन सुखहु टल गुर सेविय अहनस सहज दर्शन परसय गुरु क जनम मरण दुख जाय होवै सिफत खसम्मदि नूर अर सोह कुर सोह पातशाहु सिर साहांद साहु जिस पास बैठया सोहिया सभना दावे साहु जिस पास बैठया सोहिया सभना दावे साहु। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए सुख सहज सेती घर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुना निहचल राज कमाओ जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए सुख सहज सेती घर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुना निहचल राज कमाओ तुम घर आवो मेरे मीत तुमरे दुखी हर आप निवारे आपदा भई व्यतीत रहाओ प्रगट कीने प्रभ करने हारे नासन भाजन थाकी कर मंगल वाजहे नित वाजे अपने खसम निवाजे अस्थिर रहो डोलो मत कबहू गुर कै बचन आधार जय जयकार सगल भूमंडल मुख उजल दरबार जिनके जीव तिना ही फेरे आपे भया सहाई अचरज किया करना हारा नानक सच वड़ियाई जिनके जीव तिना ही फेरे आपे भया सहाई अचरज किया करना हारा नानक सच वड़ियाई। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सत्कार योग गुरु की साजी और नवाजी हुई
गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ सर्ब सांझी बालता दे सांझे रहबर कड़जुगी जीवां दे उधार करता हमारी प्यारी अमृत तारी गुरु निमख न मन ते टारी रे दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खेन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उर हारी रे। ऐसे दीन दयाल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी च हाजरियां भर के अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफला कर रहे सोडी सुल्तान पातशाह जगत गुरु धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज गरीब नवाज पातशाह जी दियां बख्शिशां वरत रही हैं। सतगुरां दे पावन इतिहासक स्थान तो डिठे सबे थाम नहीं तुद जिहिया ऐसे पवित्र पावन सचखंड दरबार विचों प्राप्त होए श्री मुखवाक हुक्मनामे भाई साहब की रसना तो आप जी ने सरवण किते हैं। कुछ समय लई सतगुरां दे शब्द दी विचार नाल जुड़न दा यतन करिए। अज दा बख्शिश कीता गया ये पावन शब्द जगत गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जी ने उच्चारण किया है। इस पावन शब्द का एक इतिहासक पक्ष संप्रदायी विद्वान दसदे हैं कि जिस वक्त वडाली तो सतगुरु जी वापस श्री अमृतसर साहब आए ने ता मेरी पीरी दे मालक सतगुरु छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने संबोधन हो के ये शब्द धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जी ने उच्चारण किया। उत्थे अध्यात्मक रूप विच शब्द की व्याख्या भी है। कुछ समय लई सुरत बिरत नूं एकागर करन लई सतगुरु जी वालों बख्शिश किए गए पावन गुरमंत्र का आसरा लईए। रसना नूं पवित्र करो ते आखो जी सतनाम श्री सतनाम श्री सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाई सुख सहज सिति कर आओ। राग तनासरी है। पंचम पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज ये पावन पवित्र अमृत बचन अपने मुखार बिंद च उच्चारण कर रहे हैं। साहब जी की रसना तो बोले हुए अमृत बोल निरंकार की बाणी है अकाल पुरख की बाणी है। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने संबोधन करके कहते कि जिस अकाल पुरख जी ने तुहानू भेजिया सी वडाली उस अकाल पुरख जी ने तुहानू वापस श्री अमृतसर साहब विखे बुलाया। तकरीबन 3 साल तो वधीक समा श्री गुरु हरगोबिंद साहब मेरी पीरी दे मालक सतगुरु जी वडाली च रहे ने। सतगुरां दा प्रकाश भी वडाली च होया कि अकाल पुरख जी दे हुक्म नाल भेजे सी ते अकाल पुरख जी दे हुक्म नाल ही तुसी वापस आए हो। हुण सुख दे सहत तुसी अपने निज घर गुरु के महलां दे विच सुख प्राप्त करो।
इस तरह छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी नूं संबोधन हो के ये शब्द उचारिया जाता है। पर जो सिद्धांतक पक्ष है, क्योंकि साहब जी दे पावन अमृत बोल भावें किसी एक दे प्रथाए उचारण होण पर हुंदे सारे संसार दे जीआं लई सांझे हन, हर एक प्राणी मात्र वास्ते हन। बहुत सारे गुरबाणी दे शब्द सतगुरां ने अपने सामने आए हुए कुछ व्यक्तियों नूं संबोधन करके उपदेश दिता है, पर वो केवल उन्हां वास्ते ही नहीं है। साहब जी दे उचारण किए हुए अमृत बचन संसार दे हर एक प्राणी मात्र वास्ते हैं। इस करके इस तरह भी अर्थ करते हैं, जिन तुम भेजे तिन हैं बुलाए। जिस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे भेजे हुए तुसीं इह संसार विच आए हो, आपां सारे वाहिगुरु परमेश्वर दे भेजे हुए आए हैं। निरंकार दे हुक्म दे विच संसार दे विच साढ़े सारयां दा जन्म होया। तो जिस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे भेजे हुए तुसीं इह संसार विच आए हो, भाई उसे ने तुहानू अपनी हजूरी विच सतसंगत विच बुलाया। आखो सतनाम श्री सतगुरां दे हुक्म नाल गुरु की संगत विच आए हां। साडा कोई जोर तां नहीं है, साडा कोई बल जां कोई साडी सियाणप जां कोई साडी चतराई थोड़ी है। सतगुरु जी ने आप कृपा कीती साडे ते, सिर ते मेरा भरिया हथ रखिया, सानू अपनी संगत विच बुलाया। तिन्हें बुलाए, इत्थे संगत विच बुलाया, सतसंगत रूपी घर विच बुलाया। इत्थे आ के पता लगा कि अपना निज घर केड़ा। सतसंगत विच आ के इस गल का बोध होया, ज्ञान होया कि निज घर केड़ा। तो सतसंगत विच सतगुरु जी ने दसिया कि जेड़ा अचल सुख है, उस अचल सुख दे सहत तू अपने निज घर विच आ, जिस घर दे विचों बाहर भटकदिआं तैनूं बड़ा समा हो गया। अपने निज घर विच, निज घर केड़ा? साडा निज आत्म स्वरूप, साडा निज घर है वह आत्मा का स्वरूप जिस दी सानू बिसिमरती होई होई है, वह आत्म स्वरूप जो सानू भुलिया होया है। महाराज जी कहिंदे अपने ऐसे निज घर दे विच आउणा करो। आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुना, निहचल राज कमाओ। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी नूं महाराज जी फुरमान करदे आ कहिंदे कि जो आनंद स्वरूप ते मंगल स्वरूप वाहिगुरु अकाल पुरख परमेश्वर है, उहदे गुण गाओ। परमेश्वर आनंद स्वरूप भी है, परमेश्वर मंगलमई स्वरूप भी है, उस दे गुण गाओ। और सहज धुन मिठी मिठी आवाज़ विच उस वाहिगुरु परमेश्वर दे गुणा नूं गाओ। और गुरता गद्दी रूपी इस निश्चल थां ते बैठ के राज कमावो, भाव संगतां नूं दर्शन दिओ और उहनां नूं उपदेश दिओ। फिर इस तरह अर्थ जो सारे प्राणियों वास्ते सांझा है, हे भाई जो आनंद स्वरूप अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर है, जो मंगलमई स्वरूप अकाल पुरख परमेश्वर है, उहदे गुणा नूं गायन करो। मिठी मिठी आवाज़ विच शांति सहित टिकार नाल परमेश्वर दे गुणा नूं गायन करो। काली काली नहीं, ये नहीं इशनान करदिआं जपजी साहब का पाठ किहड़े वेले पूरा हो गया, किहड़े वेले जाप साहब पढ़ के समाप्ति कर दित्ती, पता ही नहीं लगा। सहज धुन का मतलब टिका नाल, शांति नाल, एक एक अखर नूं समझदिआं होइआं अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे गुणा नूं गायन करो। जदों इस तरह परमेश्वर दे गुणा नूं गायन करोगे तां तुहानूं निचल पदवी, जिस पदवी ते जा के चलाए मान नहीं होना पैंदा, उस पदवी दे सुख नूं तुसीं फिर माणोगे। वो पदवी का सुख तुहानूं प्राप्त होवेगा जिन्हों निचल घर कहिंदे आ। फिर निहचल नाम परमेश्वर का अकाल पुरख का भी है, क्योंकि वह चलाएमान नहीं है। राज का अर्थ हुंदा हुक्म। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर का जो हुक्म है उहदी कमाई करो, निहचल राज कमाओ। जो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी हुक्म करते ने
उस हुक्म दी कमाई करो। तुम घर आवो हो मेरे मीत, हे मेरे मन मेरे मित्र, तेनू बाहर भटकदिया बड़ा समा हो गया, हुण वापस परत्या अपने निज घर दे विच। हे मेरिया मना तू वापस मुड़िया, अपने निजा आनंद दे विच आके लीन हो जा। तुमरे दुखी हर आप निवारे आपदा पई बतीत, तेरे जेड़े दुखी सी काम क्रोध लोभ मोह हंकार, इन्हां दुखियां नू हरि प्रभु ने आप कृपा करके निवार दिता, दूर कर दिता, और तेरे जन्म ते मरण दी जेड़ी आपदा सी वह आपदा भी हुण बीत गई है, भाव तेनू हुण जन्म मरण दे चक्करां विच नहीं भटकना पवेगा। गुरु हरगोबिंद साहब नू संबोधन करदिआं कहिंदे पंजवें पातशाह, क्योंकि जेड़ी अंश छेवें पातशाह विच है उही गुरु अर्जन साहब विच है, उस अंश नू चेते करदिआं मित्र शब्द नाल संबोधन करदिआं कहिंदे मेरे मित्र हुण अपने घर आओ। श्री अमृतसर साहब गुरु के महलां विच तुहाडे जिहड़े दुखी सी सुलभी खां वर्गे वह परमेशर ने आप निवार दित्ते ने, और जिहड़ी आपदा सी दुख सी वह हुण बीत गया है। रहाओ प्रगट कीने प्रभ करने हारे, नासन पाजन थाके। करनहार वाहिगुरु परमेशर ने गुरु हरगोबिंद साहब जी तुहानू प्रगट कर दिता है, हुण तुहाडा नसना भजना थक गया, रहत हो गए नसण भजण तो। हुण सानू सारिआं नू उपदेश देंदिआं कहिंदे भाई प्रभु अकाल पुरख परमेशर ने जदों तुहाडे अंदर अपना आप प्रगट कर दिता, अपना आप साक्षात्कार कर दिता, जिसनू ब्रह्म ज्ञान की अवस्था कहिंदे ने, कहिंदे प्रभु ने करणहार वाहिगुरू ने जदों तुहाडे अंदर अपना आप प्रगट कर दिता, हुण नसण भजण तो थक के रहत हो गए, भाव हुण भटकण मुक गई। नासन का अर्थ महापुरशां ने नास्तकता भी किया, ते भाजन का अर्थ हुंदा पात्र, जो नास्तकता दे पात्र बने हुए सी वो हुण थक गए, भाव हुण हिरदे चो नास्तकता चली गई, हुण अकाल पुरख वाहिगुरु परमेशर की होंद नू अपने हिरदे विच महसूस कर लिया। नहीं तो पहला नास्तकता यह भी है, खबरे रब है कि नहीं, खबरे परमेशर है कि नहीं, ये नास्तकता है मनुखां दे हिरदिआं च। कहिंदे हुण ये नास्तकता हिरदे चो चली गई है क्योंकि प्रभु ने खुद आप अपना आप साडे अंदर प्रगट कर दिता है। कर मंगल वाजे नित वाजे अपना खसम निवाजे, कहिंदे हुण अपने खसम ने आप कृपा करके सानू नवाज लिया, रख लिया, हुण हिरदे रूपी घर दे विच भी मंगल वज टुरे हन, और नित अनहद नादां दे वाजे जिहड़े ने ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵੱਜ ਟੁਰੇ ਹਨ। ਅਸਥਿਰ ਰਹੋ ਡੋਲੋ ਮਤ ਕਬੂ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਆਧਾਰ, ਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲਵੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵੋ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਡੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। गुरु के शब्द द्वारा अडोल पदवी की प्राप्ति हुंदी है। जिस वक्त सतगुरां दा शब्द गुरु का उपदेश हिरदे च वस जावे तां इह मन अडोल हो जांदा है। इस करके कहिंदे भाई अस्थिर हो जाओ, टिक जाओ, डोलण दी लोड़ नहीं, मता डोलदे फिरो। महाराज जी अडोल किवें होईए? गुरु अर्जन साहब पातशाह कहिंदे गुरु के बचना दे आसरे नू ग्रहण करके। जदों तुसी गुरु दे बचना दा आसरा ग्रहण करोगे, गुरु दा आसरा लवोगे, तां गुरु दे आसरे नू ग्रहण कीतिआं तुसी सदैवी काल लई अडोल पदवी नू प्राप्त होवोगे। जय जयकार सगल भू मंडला मुख उजल दरबार। हुण सारी भूमंडल धरती दे उत्ते तुहाडी जय जयकार होवेगी,
और निरंकार वाहिगुरु परमेश्वर के दरबार में भी तुहाडे मुख उज्जवल होणगे। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी नूं कह रहे ने गुरु अर्जन साहब कि इस धरती ते सारी जगत विच तुहाडी जय जयकार होवेगी और निरंकार दे अकाल पुरख दे दरबार विच भी तुहाडा मुख उज्जवल है। जिनके जीव तिनै ही फेरे आपे भया सहाई। जेड़े सुलभी खां वर्गे चढ़ चढ़ के आउंदे सन श्री अमृतसर साहब, ये परमेश्वर दे ही जी सी ना, ते परमेश्वर ने इन्हां नूं आप ही रस्त्यों फेर दिता, ये पहुँच ही ना सके। आप वाहिगुरु जी ने तुहाडी सहायता कीती है। फिर दूसरा सिद्धांतक अर्थ, जिनके जी तिना ही फेरे। ये संसार दे आपां जिन्ने भी जी हाँ, अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे जी हाँ, तो वाहिगुरु परमेश्वर दे जेड़े जी ने उसे ने ही संसार वल्लों इन्हां जीआं नूं उपरामता दित्ती है। संसार वल्लों उपरामता दी बिरती, उदासीनता दी बिरती उसे अकाल पुरख परमेश्वर ने दित्ती है, जिस नूं आपां वैराग कहिंदे हाँ। गुरु खालसा जी, परम वैराग जदों तक हिरदे विच ना उपजे उदों तक निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे घर वल नहीं टुरिया जा सकता। परम वैराग दा मतलब श्रेष्ठ वैराग जो गृहस्थ आश्रम दे विच रहिंदिआं भी पालिया जा सकता है। महाराज जी कहिंदे जिस वाहिगुरु परमेश्वर दे जी ने उसे ने संसार वल्लों जीआं दे हिरदे च उपरामता पैदा करके आप जीव दी सहायता कीती। आपे भया सहाई, खुद निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर जी संसार दे जीआं दे सहाई होए ने, मददगार होए हन। अचरज किया करना हारा नानक सच वड़ियाई। करणहार वाहिगुरु परमेश्वर ने बड़ा आश्चर्य किया, जीव ते ईश्वर की अभेदता करा दी। ये आश्चर्य ही है ना कि जीव ईश्वर एकमिक करके ब्रह्म रूप अपना रूप बना लिया। ब्रह्म ईश और जीव इदा तिना रूपां दे विच जदों वंड करिए ते जीव दा जीव पुणा छड के ईश दा ईश्वर पुणा त्याग के पिछे जो बाकी बचदा उहनूं कहिंदे ने ब्रह्म। वह ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जीव ते ईश्वर दी अभेदता दा इह आश्चर्य कारज अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी ने सतगुरु जी ने कर दिता है। यह वड्याई अपने भगतां नूं सतगुरु जी ने प्रदान कीती है। लड़ीवार कथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन स्वरूप की जो इस पवित्र स्थान ते चल रही है निरंतर, राम कली राग की प्रारंभता हो रही है। जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज जी दे पावन शब्द इत्थों आरंभ हो रहे ने। राम कली राग ज़्यादा तौर पर योगी लोग वरत्या करते सन इस राग की वरतों। जगत गुरु पातशाह धन गुरु नानक देव साहब जी जदों योगियों नूं मिलदे ने, सिद्धां नूं मिलदे ने, उन्हां नाल चर्चा करदे ने, ते बहुत सारे शब्द सतगुरु जी ने राम कली राग दे विच उचारण कीते ने। सिद्ध गोष्ट अमृत बाणी सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी, ये गुरदेव ने राम कली राग दे विच ही रची है। गुरु अर्जन साहब के बहुत सारे शब्द जो योगियों के नाल गुफ्तगू करद्या विचार करद्या महाराज जी ने उचारे। 18वां राग है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, राम कली प्रारंभ हो रहा है। गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह के पवित्र चरणों में अपनियां हाजरियां लवाउंदे आखो जी सतनाम श्री। राम कली महला पहला कर पहला चौ पदे एक ओंकार। राम कली राग है, पहले पातशाह जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज ये पावन पवित्र शब्द उचारण कर रहे हैं।
पहले घर सुरताल विच शब्द नू गायन करन दा हुक्म है। चौपदे चार पदयां वाला ये पवित्र अमृत बचन है। महाराज जी रामकली राग की आरंभता हो रही इस करके मंगलाचरण करते हैं। एक का मतलब हुंदा अदुति, जिस वर्गा कोई दूजा नहीं। जो सजाती विजाती और सावगत तिना भेदा तो रहत है उन्हूं कहिंदे ने एक। ओंकार जो सर्वदा व्यापक है और सर्वदा प्रकाशक है। जितना कुछ सूक्ष्म हुंदा चलिया जाएगा उस सूक्ष्म स्थूल नालों बहुत व्यापक हुंदा चला जाएगा। ये सिद्धांत है। जितना सूक्ष्म होवेगा उतना ही व्यापक होवेगा, जितना स्थूल होवेगा वो उतना ही थोड़े दायरे दे विच रहेगा। इस तरह विद्वान अर्थ करते ने धरती स्थूल है, धरती नालों वध सूक्ष्म जल है। धरती स्थूल है, इनू कपड़े दे विच इहदे जिहड़े पत्थर डले वगैरह ने रखे जा सकते ने, पर पानी इस धरती नालों वध सूक्ष्म है, उहनू तुसीं कपड़े विच नहीं ढक सकते। इस करके धरती नालों कई गुणा वध पानी है, क्योंकि धरती नालों वध सूक्ष्म पानी है और पानी धरती नालों कई गुणा वध है। पानी नालों सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि पानी नालों भी वध सूक्ष्म है। क्यों? पानी नूं तुसीं किसे घड़े आदक दे विच इकट्ठा करके रख सकते हो, पर अग्नि नूं नहीं रख सकते। अग्नि नूं किसे घड़े आदक विच तुसीं इकट्ठा करके नहीं रख सकते। अग्नि पानी दा कारण भी है, क्योंकि जदों साडे शरीर दे विच अग्नि वधदी है ते शरीर चों पसीना पैदा हुंदा है। इहदा मतलब है कि पानी दा कारण वो साडे अंदर जां सारे संसार दे विच जिहड़ी अग्नि है वो अग्नि ही जल दा कारण है। जिहड़े मींह वरसदे ने इह भी अग्नि तत्व करके ही है ना, अग्नि करके ही पानी वाष्पीकरण हो के उड़दा, हवा द्वारा बदलां दे रूप दे विच वरसदा है। हुण पानी नालों दस गुणा वध अग्नि तत्व है। अग्नि पानी नालों सूक्ष्म है और दस गुणा वध अग्नि है। हुण अग्नि नालों सूक्ष्म वायु है, वायु हवा वो अग्नि नालों भी वध सूक्ष्म है। किवें सूक्ष्म है? अग्नि नूं वेख सकते हाँ, वायु नूं वेख नहीं सकते। अग नूं तुसीं किसे भांडे च पा के नहीं रख सकते, उहदा विस्थार है, उहनूं तुसीं बन्न नहीं सकते, पर वो अखां नाल वेखी तां जा सकती है ना। पर वायु अग्नि नालों भी वध सूक्ष्म है, इहनूं अखां नाल वेख्या नहीं जा सकता। और वायु करके ही अग्नि है, जे वायु ना होवे ते अग्नि नहीं बल सकती। वायु ही अग्नि नूं बुझाउंदी है, वायु ही अग्नि नूं प्रचंड करदी है। वायु जिहड़ी है वह अग्नि का कारण है, तो अग्नि का कारण होण करके वायु अग्नि तो अधिक सूक्ष्म है और उहदे तो दस गुणा वध है। उहदा विस्थार जिहड़ा वायु दा वह अग्नि नालों दस गुणा वध है। हुण वायु का कारण है आकाश तत्व, पंज तत्व ने ना, पंजवां तत्व आकाश। आकाश वायु का कारण है, क्योंकि आकाश करके वायु तुर फिर सकती है। हुण आकाश वायु नालों भी वध सूक्ष्म है। किवें? वायु नूं असीं चमड़ी नाल तां स्पर्श कर सकते हैं ना, हवा चलदी होवे ते साडी चमड़ी दस दिंदी भी हवा चल रही है। चमड़ी करके असीं उहदा स्पर्श का ज्ञान लै लैंदे हां। इस करके आकाश नूं तां चमड़ी नाल भी नहीं स्पर्श किया जा सकता, अखां नाल भी इहनूं पूरा तौर ते नहीं वेख्या जा सकता, इह तां खाली पुलाड़ है। वायु नालों आकाश सूक्ष्म है, इस करके वायु नालों दस गुणा वध आकाश कहा जाता है। हुण आकाश तो परे है अज्ञान। अज्ञान जिहड़ा
वह आकाश का कारण है। अज्ञान जिहड़ा मैं आकाश तो परे की है, आपां कोई पुछे भी आकाश तो परे की है, तो आकाश तो परे कहांगे भी मैं नहीं जानदा। वो जिहड़ा मैं नहीं जानदा इहनूं कहिंदे ने अज्ञान अविद्या। ये आकाश का कारण है और ये आकाश का कारण होण करके उहदे नालों दस गुणा वध है, सूक्ष्म है, क्योंकि आकाश नूं असीं भावें किसे इंद्री करके स्पर्श नहीं कर सकते पर इहनूं अनुभव तां कर सकते हैं ना, भी इह आले दुआले ये जिहड़ा आकाश है। पर अज्ञान इहदे तों भी वध सूक्ष्म है और इहदे तों भी वध विस्थार वाला है, जिथे जाके असीं मन करके समझदे हां भी मैं नहीं जाणदा। अज्ञान उहदे तों भी वध सूक्ष्म है। हुण अज्ञान तों परे शास्त्र कहिंदे है, अज्ञान तों परे की है, जदों गुरु साहब दा तरस वरतदा है, कृपा वरतदी है, ता अज्ञान तो परे ब्रह्म का स्वरूप साक्षात्कार हुंदा है। फिर वो जिहड़ा अज्ञान है उहदे नालों कई गुणा वध विस्थार सूक्ष्म ते विस्थार पुणे दे विच ब्रह्म का है। अज्ञान उस ब्रह्म के स्वरूप विच इस तरह है जिवें साडे शरीर दे उत्ते कोई तिल होवे ना निका जिहा, इदां अज्ञान ब्रह्म के स्वरूप विच इक तिल मात्र है और ब्रह्म होर ज़्यादा व्यापक ते सूक्ष्म है। इदा सूक्ष्म ते व्यापक दी व्याख्या महापुरश विद्वान करते हैं। ओंकार जो व्यापक है और सूक्ष्म है, जितना सूक्ष्म होगा उन्ना ही व्यापक होगा। कलगीधर पातशाह कहते सूक्ष्म रूप ना वरना जाई, अकाल पुरख परमेशर का जिहड़ा सूक्ष्म रूप है वह वर्णन विच नहीं आता, वह परे तो परे है, परे तो परे है। ओंकार जो सूक्ष्म भी है और व्यापक भी है, सर्वदा प्रकाशक है और एक है, सजाती विजाती सबगत तिना भेदा तो रहत है। सत नाम ओदा नाम त्रईकाल सत है, त्रईकाल सत है। पहला भी सच सी, हुण भी सच है, अगां नूं भी सच है। आद सच, जुगाद सच है, भी सच, नानक हो सी भी सच। जो त्रईकाल सच है, अकाल पुरख वाहिगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम सत है। करता पुरख, करता जो सारे जगत का करता है, सारे संसार नूं करन वाला है, नमित कारण भी आप है, उपादान कारण भी आप है, इस करके उन्हूं पुरख कहा है। नमित कारण भी है तो उपादान कारण भी है, क्योंकि करके विच पूरिया होया। घड़े का उपादान कारण है मिट्टी और उहदा नमित कारण है कुम्हार, कुम्हार वखरा घड़ा बना रहा वखरा, वह मिट्टी तो बना रहा। पर ब्रह्म अकाल पुरख वाहिगुरु परमेशर इस सारे जगत का उपादान कारण भी आप है, जिवें मकड़ी जाले का उपादान कारण भी आप ही है ना, तो नमित कारण भी आप है। मकड़ी तो ही जाला पैदा हुंदा ना, वो किसे वक्री थां तों ते नहीं लै के आउंदी। इसे तरह ब्रह्म तो यह सारा जगत पैदा होया, वो ये सारे जगत का उपादान कारण भी है, नमित कारण भी है, और करके पुरख सारियां विच पूरिया होया। जुलाया कपड़े नूं बना के उहदा करता हो जांदा है, पर उस कपड़े दे विच वसदा नहीं है। कुम्हार घड़े नूं बना के घड़े तो वखरा है, पर वह घड़े दे विच नहीं वसदा। सुनियारा सोने के गहने बना के उहदा करता हो जाता, पर उस सोने के गहनों विच नहीं वसदा। पर अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर इस सारे संसार नूं करता करके फिर इहदे विच पुरख पूरिया भी होया, विच वसदा भी है। कुदरत करके वसिया सोए, यह सारी कुदरत नूं बना के फिर वह इहदे विच वसदा भी है, इहदे विच रहिंदा भी है, इस करके उन्हों कहते ने पुरख। निरभौ, निर्वैर, निरभौ है, उन्हों भौ नहीं है किसी का, उन्हों खौफ नहीं है। डर के दा रखे उहदे तो कोई वड्डा होवे तां उहदा डर बने, उहदे तो कोई वड्डा है ही नहीं, इस करके उह निरभौ है। उहदे अंदर भौ नहीं है, खौफ नहीं है। संसार दे हर एक प्राणी दे अंदर किसे ना किसे प्रकार दा भौ ते खौफ है।
पर अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जो सब तो वड्डा है उसनू किसे दा भी भाव नहीं है। निरवैर उहदा वैर भी नहीं किसे नाल, किसे नाल उहदा वैर विरोध नहीं है। वह वैर करे किहदे नाल, जदों सारा कुछ उहदी अपनी अंश है। आखो सतनाम श्री, अपनी अंश नाल वैर किवें करेगा? सब कुछ जदों उसे तो पैदा हो रहा, अपनी अंश नाल वैर किवें करे? उहदा किसे नाल वैर नहीं है। महापुरशां ने अति व्याप्ती दोष द्वारा भी मूल मंत्र दे अर्थ कीते है, वो विस्थार हो जाएगा भी जदों अति व्याप्ती दोष कोई आखे भी घोड़े दे चार पैर हुंदे है, लाग्यों कोई कहे भी कल्ले घोड़े दे थोड़ी चार पैर हुंदे ने, गऊ दे भी तां चार ही हुंदे है, मझ दे भी चार ही हुंदे है, उन्हूं अति व्याप्ती दोष कहिंदे है। जदों निरभउ कहा जांदा है तां निरभउ कहण वालिआं ने किसे आख्या? रावण किहड़ा किसे दा डर मन्नदा सी? उह भी तां निरभउ सी। अरणाक्ष किहड़ा किसे दा भउ मन्नदा सी? उह भी तां निरभउ सी। हुण कोई उत्थे इस निरभउ शब्द नूं लागू ना कर लवे, महाराज जी इस दोष की निवृत्ति लई अगे कहिंदे ने निरवैर। कहिंदे रावण ते हरणाक्ष निरभउ हो सकदे ने पर वह निरवैर नहीं सन, उन्हें अंदर वैर की भावना सी। रावण अंदर श्री राम की वैर की भावना सी, हरणाक्ष विष्णु का वैरी सी, वह निरवैर तो नहीं सी ना। इदा अति व्याप्ती दोष की निवृत्ति द्वारा भी मूल मंत्र के अर्थ होंगे है। निरवैर जो वैर तो रहत है, जिस अंदर किसी प्रति भी वैर नहीं। अकाल मूरत, अकाल मूरत, मूर्त नाम है हस्ती दा, मूर्त नाम है वजूद दा। परमेश्वर दी जेड़ी हस्ती है ना, वह अकाल है, वह काल दे दायरे विच नहीं आउंदी। अकाल वह काल दे दायरे विच नहीं है, काल तो परे है। असी सारे जीव काल दे चक्कर विच आ, पर पार ब्रह्म परमेश्वर इस काल तो परे अकाल ने। जदों नूरे माई नूं महाराज गुरु कलगीधर भेजदे आ ना कि सरहंद जा के पता करके आ, साहबजादियां दी खबर लैके आ, ते राय कल्ले जी दे पास महाराज जी बैठे सन। पैर क बीतिया ते महाराज जी कहिंदे राय कल्ला जी वेखो नूरा वापस मुड़िया कि नहीं मुड़िया। राय कल्ला जी कहिंदे महाराज भी एक दिन तां उहनूं जाण ते लगना है, एक दिन उत्थे रह के खबरसार लएगा, तीजे दिन जाके वापस मुड़ेगा, हाले तां पैर की होया गए नूं। महाराज जी चुप कर गए, बचन बिलास चल पे होर गल्लां बातां करदिआं। कुछ समय बाद फिर कहिंदे राय कल्ला जी वेखो नूरा वापस आया कि नहीं आया। राय कल्ला जी बड़े हैरान होए कि जापदा सतगुरां दे मन च मोह है, बार बार पुछदे ने महाराज जी हाले कित्थे आ गया होना। तीजी बार फिर सतगुरां ने कुछ समय बाद कहा भी राय जी वेखो नूरा वापस आया कि नहीं आया। राय कल्ले ने भी सोचिया भी सतगुरु जी बार बार पुछदे ने, कोई गल होवेगी। टांगू नूं कहा दरख्त ते चढ़ के वेख। एक टांगू दरख्त ते चढ़िया, उहने निगाह मारी दूर ताईं ते की वेखदा, वाकई नूरा माई वापस परत रहा। नूरा वापस आया, महाराज जी दे चरणा ते मत्था टेकिया ते राय कल्ला नूं कहिंदा नूरिया तू आ भी गया? कहिंदा हाँ महाराज जी, एक दिन जाण ते लगा, एक दिन उत्थे रहा ते तीजे दिन अज परत के आया। राय कल्ला हैरान सी कि साडे कोल इत्थे हाले दो ढाई पहरां दा समां बीतिया, ये कहिंदा मैं तीन दिन बतीत करके आया। एक इतिहासक घटना यह सिद्ध करती है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी की हस्ती अकाल है, वह काल के दायरे में सीमाबद्ध नहीं है। इस करके बाजा वाले सतगुरु कलगीधर अज भी ने ते अगे भी रहणगे। जे काल दे दायरे च होंदे ते ज्योति जोत समावण तो भी कई वरियां बाद पूने सितारे दी जेल विच कैद होए बाला राव ते रुस्तम राव नूं रिहा ना कराउंदे, सतगुरु जी सदैव ही काल करके हाजर ने। इस करके हाजर ने क्योंकि उहनां दी हस्ती अकाल है,
अकाल मूरत उन्हां दी हस्ती उन्हां दा वजूद अकाल काल दे दायरे विच नहीं है। अजूनी सैभं अजूनी है, जूनिया विच नहीं आउंदा, ओ जूनिया तो रहत है। सैभं स्वते प्रकाश है, अपने आप तो बनया है। गुर प्रसाद सैभं स्वते प्रकाश अपने आप बनया। इत्थे कई सवाल करदे आ, वह कहते जे परमात्मा सैभं स्वते प्रकाश है तो फिर यह सृष्टि नूं स्वते प्रकाश मनण च की आपत्ति है। जदों गल सृष्टि की बनन की आउंदी है तो आपां कहने जी इह सृष्टि नूं रब ने बनाया, तो जे पुछिए रब नूं किहने बनाया तो कहने वह तो अपने आप बनया। जे रब अपने आप बन सकता है तो फिर सृष्टि अपने आप नहीं बन सकती, फिर इनू रब नूं बनाउण दी की लोड़। जिहड़े पदार्थवादी बिरती रखण वाले लोग ने इदां सवाल करदे, फिर उत्थे इस तरह जवाब आउंदा है कि इह अपने आप बनी हुंदी ते जिहड़ियां चीज़ां बिनस जांदियां ने मुड़ अपने आप पैदा नहीं हुंदियां। निरंकार की चेतनता करके शक्ति करके वह वाकई इहदे विच कुछ इहो जी कला वरतदी है, सफुरती हुंदी है ते उत्पत्ति हो जांदी है। सैभं अकाल पुरख स्वते प्रकाश है। हाँ जी, गुर प्रसाद गुरु की कृपा द्वारा उस परमेश्वर के स्वरूप की प्राप्त, जेडे स्वरूप उत्ते वर्णन होया ना, करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल अजूनी सह, वो मिलेगा किवें? कहिंदे जदों गुरु की कृपा होवेगी। गुर कृपा जिह नर को कीनी ते एह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। गुरु की कृपा द्वारा उस ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार हुंदा। कोई पढ़ता सहसा किरता, कोई पढ़ा पुराना। सहसा किरता सहस कृति श्री गुरु ग्रंथ साहब च पढ़ते हो ना श्लोक, एक होंदी है संस्कृत एक होंदी है सहस्कृति। सहसा किरता संस्कृत की व्याकरण इदां भी अर्थ किए ने, पर सहसा का मतलब होंदा सहजे सुखैन ढंग नाल कृत कीती हुई, क्योंकि जिहड़ी संस्कृत भाषा सी वो ग्रंथां विच पुस्तकां विच लिखी जाण वाली मझी हुई भाषा सी, आम बोलचाल दे विच ओह नहीं सी। हुण भी जिहड़ी पंजाबी आपां किताबां विच लिखी वेखदे आं ओह शब्द असीं आम बोलचाल विच तां नहीं वरतदे। कई पंजाबी दीआं पुस्तकां जिहड़ियां अकादमिक लैवल दीआं अजकल यूनीवर्सिटियां चों विद्वान लिख के छा, उहनां विच जिहड़े पंजाबी दे शब्द वरते जांदे आ ओह इन्ने गूढ़े ने कि जदों आम करके कोई नॉर्मली पंजाबी बोलण वाला व्यक्ति उहनां नूं पढ़दा उहनूं समझ नहीं आउंदी। इस तरह संस्कृत भाषा जिहड़ी मझी हुई भाषा सी उहदे विच ग्रंथ लिखे जांदे शास्त्र, वो आम बोलचाल विच नहीं सी आउंदे। सुखैन ढंग नाल आपस विच बोलचाल दी बोली विच वरतण वाली बोली नूं सहसा किरता जां सहस किरती कहा जांदा। सहसा किरता दा अर्थ प्राकृति भाषा और माघ दी भाषा पाली वगैरह उहनूं भी कहिंदे आ, पाली दे विच लिखे हुए जां माघ दी भाषा विच लिखे हुए जैन मत दे ग्रंथ बोध मत दे जिहड़े ग्रंथ ने कहिंदे कोई उह पढ़दा है। कोई पढ़े पुराना, पुराण संस्कृत वगैरह भाषा विच लिखे हुए ने, वेद व्यास जी इन्हां दे करता हन, कहिंदे कोई पुराण आदिक पढ़न दे विच अपना समां बतीत कर रिहा है। कोई नाम जपै जप माली लागै तसै ध्याना, कोई जप माली कहीए माला पकड़ के किसी देवी देवते दे मंत्र दे जाप जपण विच लगा होया। इत्थे नाम जपै जप माली, जप माली नाम है माला दा, कि माला हथ विच पकड़ के कोई कई प्रकार दे नाम जपण दे विच, नाम जपण इत्थे परमेश्वर दे नाम दी बात नहीं, कई प्रकार दे नाम, ए अमकी शक्ति दा नाम है, अमकी शक्ति दा नाम है, वो जपण विच उहनूं सिद्ध करन विच उसे विच ही अपना ध्यान लाई बैठे हन, इधर ही उहनां दा ध्यान लगा होया। अब ही कब ही किशु ना जाना, तेरा एको नाम पछाना। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहिंदे हे अकाल पुरख जी, अब ही हुण भी ते कदे भी मैं होर कुछ नहीं जानदा,
ना मैं सहसा किरता व्याकरण आदिक पढ़न दे विच जां पुराणा नूं पढ़न दे विच जां होर प्रकार दे कर्मां विच मैं नहीं प्रविरत हाँ, मैं होर कुछ जानदा ही नहीं। हे प्रभु, मैं तां तेरे एक नाम नूं ही मुक्ति दाता पछाणदा हाँ, तेरा एको नाम पछाणना। महाराज, जिहड़ा तुहाडा नाम है ना, उहनूं मैं पछाणदा हाँ। की पछाणदा? भी मुक्ति देण वाला तुहाडा नाम है। तुहाडे नाम तो बिना किसी की बंद खलासी नहीं होनी। हाँ जी, ना जाना हरे मेरे कवन गते। बेनती करो इस तरह, हे हर जी, मैं नहीं जानता मेरी की हालत होवेगी। उत्थे तां महाराज मैं वेखे ने नदोशा कड़ियाल कुटिया जाता है, असी तां दोषां वाले जीव हां, साडा की हाल होवेगा। हे वाहिगुरु, मैं नहीं जानता मेरी की गत होवेगी। हम मूर्ख अज्ञान, सरन प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते। हे वाहिगुरु जी, असी मूर्ख हाँ, अज्ञानी हाँ, तुहाडी शरण विच हाँ। महाराज, मूर्ख भी हाँ, अज्ञानी भी हाँ, और हे प्रभु जी, तुहाडी शरण विच हाँ, साडे ते कृपा करो। हे हरि जी, मेरी ये संसार विच भी लाज रख लो, ते अगे परलोक विच भी मेरी पत रख लो। इत्थे लाज पते दो वेरी आया ना, इस लोक विच भी लज्जिया रख लो महाराज, ते परलोक विच भी मेरी पत रख लो। इत्थे पते दा अर्थ महापुरशां ने पति भी कीता। हे पति परमेश्वर जीओ, कृपा करो, मेरी लाज रख लवो। कबहू जीड़ा ऊब चढ़द है, कबहू जाए पयाले। हे प्रभु, मैं अपने जीड़े दी की दशा दसा? कदे ते पुन कर्मा दे प्रताप करके बड़े उच्चे थां ते स्वर्गां विच जा पहुंचदा, ते कदे इन्ने नीच ते भैड़े कर्म कीते हुए दे अगे आउंदे आ भी पताल तों भी थले गर्क हो जांदा। कदे तां असीं अपने सारे अंदर झाती मार के वेखिए, गुरु बाबे दे बोल साडे ते पूरे टोकणगे। कदे तां इन्नियां चंगियां विचारां हिरदे च पैदा होंदियां भी हिरदा उडारियां मारदा ब्रह्म रूप दे विच होंदा ना। कदे कदे तां बड़ा गुरबाणी च मन लगदा, कदे गुरबाणी बड़ी रस वाली प्रतीत हुंदी है। गुरबाणी तां सदा रस वाली है, पर साडी अवस्था कदे 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 बड़ियां चंगियां चंगियां विचारां आउंदियां, बड़ियां उचाई वालियां विचारां आउंदियां ने, पर कदे इन्नियां पैड़ियां ते माड़ियां विचारां भी आउंदियां ने कि शायद पताल भी उन्हां विचारां तों घट नीवा होवे। इन्नियां मलन विचारां, इन्नियां पैड़ियां विचारां, वह भी कदे हिरदे च आउंदियां। इह साडे जीड़े दी दशा है। लोभी जीड़ा थिर न रहत है, चारे कुंडा पाले। हे वाहिगुरु, धन दा लोभी होया ये जीड़ा हिरदा टिकदा नहीं है, ये चारां दिशावां नूं भालदा, चारां दिशावां विच भज्जिया फिरदा। मरन लिखाए मंडल मह आए, जीवन साज हिमाई। ये मरना लिखा के इस मात लोक दी धरती ते आया, पर अपने जीवन दे बन्न नूं बन्नदा कि मैं खबरे मरना ही नहीं, किते एदा अपने जीवन दे बन्न नूं बन्नण च लगा होया। एक चले हम देख है स्वामी, पाहे बलंती आई। एक चलदे असीं वेखे ने अपनी अखां नाल, ते बाकियां दे सिरां उत्ते भी काल दी अग्नी बलदी आ रही है। ना किसी का मीत, ना किसी का भाई, ना किसा बाप ना माई। जदों मौत आउणी आ, ना किसे दा किसे ने मित बनना, ना भाई, ना कोई बाप, ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवहे, अंते हुए सखाई। धन गुरु नानक साहब कहिंदे, हे वाहिगुरु, जे तू मैनू अपने अमृत नाम दी दात दे देवें, उसे ने अंत वेले मेरा सखाई होना। इत्थे पावन शब्द दी समाप्ति है, समय दे लिहाज नाल समाप्ति है। गुरु की बाणी अगाध बोध है, विचारां करदिआं होईआं भुल्लां चुक्कां दी खिमा करनी। धनवाद कुटान कोट शुक्र धन गुरु रामदास जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा, जिन्हां दी कृपा सदका आप जी दे दर्शन परसे ने। सिंह साहिब, सिंह साहिब ग्यानी जगतार सिंह जी, मुख ग्रंथी श्री दरबार साहिब, उन्हां दा धनवाद।
आओ समाप्ति दियां पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करिए जी। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसी बाप ना माई, प्रणवत नानक जे तू देव है, अंते हुए सखाई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी। खालसा जी, चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तो हाड़े तक पहुंच दी रवे। अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी।